हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आज हम सी शार्प में देखेंगे, पढ़ेंगे इफ एल्स कंडीशन के बारे में कि इफ एल्स कंडीशन कहाँ यूज करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए और उनको काफ़ी हेल्प मिले। तो यहाँ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट कहाँ यूज होता है? जब भी हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है प्रोग्राम बनाते समय, या आपने डेली लाइफ में देखा होगा, आप मार्केट जाते हैं या घर का कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो आप शॉप पर जाते हैं तो उससे कहते हैं, भाई अगर ये मोबाइल अगर ठीक नहीं निकला तो मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ कंडीशन आ जाती है कि अगर ठीक निकला तो ओके, आप रख लीजिए, अगर ठीक नहीं निकला तो आप वापिस ला सकते हैं। इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं जब मार्केट से आप डेली सामान लेने जाते हैं, तो आपको घर से बोला जाता है कि ठीक है, आप सब्जी ले आलू लेकर आइए, तो आपसे कहा जाता है, फिर आप कहते हैं कि अगर आलू ना मिले या कोई कोई स्पेसिफाइड सब्जी वैसे आप बताया जाता है कि भाई ये सब्जी लानी है, अगर वो ना मिले तो आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आता है, फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे ऐसी चीज़ें जो कंडीशन होती है ये हमारे पास आ जाती है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग में अगर हम आए तो अगर हमारे पास कोई नंबर हमें ग्रेटर और स्मॉलर प्रिंट कराना है तो हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर वो नंबर ग्रेटर देन है तो उसको हम प्रिंट कराएं कि ग्रेटर देन है, और अगर ग्रेटर नहीं है तो वो एल्स में चला जाए, अगर एल्स एल्स स्टेटमेंट ले रहे हैं तो। ठीक है, बाकी इफ से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर हम एक इंटर टाइप का नंबर ले लें, उसमें 20 रख दें और हम उसको शो करें कि अगर ये ग्रेटर देन 200 है, गिवन नंबर अगर ग्रेटर देन 100 है या नहीं। ठीक है, अगर वो 100 है तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि भाई ठीक है, वो प्रिंट करा दे उसको है, और ग्रेटर देन अगर नहीं प्रिंट कराना चाहें, आप पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है, चलिए कंसोल विंडो में देख लेते हैं क्या होता है। तो आपने जब इसको डीबग किया तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हुआ शायद। हाँ, यहाँ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर हमने यहाँ दिया था ग्रेटर देन अगर 100 हुआ तो, लेकिन वहाँ ग्रेटर देन नहीं था तो इसलिए उसने वहाँ प्रिंट नहीं किया। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम एल्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ एक कंडीशन दे रहे हैं। अगर अब अगर वो अब देखिए, यहाँ पर मैं 200 ले रहा हूँ, 200 ले रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर हम इसको जब करेंगे तो ये ग्रेटर देन दिखा रहा है, मैंने लिखा कि ग्रेटर देन 100 तो उन्हें शो कर दिया। तो ये कंडीशन आपने इस तरह से जो है इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है प्रोग्राम बनाते समय। तो यहाँ ठीक है, आपने कहा था ग्रेटर देन 100 हो तो तभी वो शो कर रहा है इसको, नंबर इज ग्रेटर देन 100, तो उसने शो कर दिया। अगर ये नंबर ग्रेटर देन अगर नहीं होता 100 से, जैसे अभी इससे पहले आपने देखा था, तो यहाँ पर वो कोई शो कुछ भी शो नहीं करता, यानी कोई डिस्प्ले नहीं होता। तो ये तो रहा इफ स्टेटमेंट, लेकिन हम चाहते हैं कि इफ स्टेटमेंट जो हमारे जब चले वहाँ पर वो कंडीशन दिखाए, तो जो अदर डिफॉल्ट कंडीशन है जैसे फॉल्स वाली कंडीशन है उसको भी वो दिखाए, तो हम उसमें इस केस में हम एल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने कंसोल विंडो पे यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ एल्स तो उसने दिखाई नहीं रहा, मैंने लेस देन कर लिया है, एल्स कंडीशन नहीं दिखाएगा वो। ठीक है, आपने हमने नंबर जो लिखा है इंट नंबर इक्वल टू 20, हमने लेस किया तो उसने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन हम चाहते हैं कि उस कंडीशन में भी दिखाए। ठीक है, कुछ शो हो तो ठीक है, हमें एल्स स्टेटमेंट को और ऐड करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा इफ एल्स। इफ कंडीशन जो आप ट्रू लेना चाहते हैं वो इस ब्लॉक में होगी, इफ ब्लॉक में, और अगर आप जो दूसरी कंडीशन जो वो नहीं है सेटिस्फाइंग, मतलब नहीं है फॉल्स कंडीशन है, तो वो एल्स ब्लॉक में होगी। तो यहाँ ये ब्लॉक बन जाते हैं। ठीक है, इफ में जो आप दे रहे हैं, जो दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या 100 से लेस देन दिखाना चाहते हो नंबर, या ग्रेटर या इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग इफ में आएगा। इफ वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट तो पूरे होगा, वो चेक करेगा इफ एल्स कंडीशन को। ठीक है, तो यहाँ देखिए डीबग कर लेते हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे ही हम डीबग करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें ग्रेटर देन लेस देन 100। ठीक है, ग्रेटर देन होगा तो फर्स्ट में जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू होगा तो
एल्स में जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हम कंडीशन का यूज करते हैं। जैसे आगे आने वाले टाइम में हम बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें एडिशन के कुछ जो कैलकुलेशंस होंगी, ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, या सैलरी पर एम्प्लॉइज पर जब बनेगा प्रोग्राम, तो उसमें जो बोनस होगा उसका इस इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। इफ कंडीशन यूज करेंगे उसमें कि अगर सैलरी आपकी 1000 से ज़्यादा, 1000 से 2000 तक, तो इतनी उसका HR या DA जितना भी मिल रहा, बोनस मिल रहा हो एक्सेट्रा, बोनस उसका मिले, तो ये यहाँ पर हम इस तरह का इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं else if, अगर हमारे पास कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे, इससे आगे। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम निकाला उसके लिए।